चार राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 लाख लोग जुटेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से ही रोड शो की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम का काफिला 1 घंटे में 9 किलोमीटर का फासला तय करेगा और सुबह 11:15 बजे तक गांधीनगर में मौजूद बीजेपी राज्य मुख्यालय कमलम पहुंचेगा। बीजेपी ने दावा किया है कि पीएम के इस रोड शो में 4 लाख लोग जुटेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण गुजरात में 2 साल बाद पहली बार इतने बड़े रोड शो को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर प्रदेश संगठन की तरफ से जबरदस्त तैयारियाँ की गई हैं, साथ ही सड़क के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। पूरे रास्ते को भगवा झंडे से पार दिया गया है। साथ ही पीएम के रूट में करीब 50 स्टेजेस तैयार किए गए हैं। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की, तो 4 IGT IG स्तर के अधिकारी, 24 DCP, 38 ACP, 124 PI, 400 PSI और 5,550 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं रोड शो के बाद पीएम मोदी कमलम में प्रदेश संगठन की बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यहां पीएम के स्वागत के लिए आदमकद रंगोली बनाई गई है, जिसमें मोदी गंगा में जल अर्पित करते दिखाई दिए। वहीं शाम 5 बजे अहमदाबाद के GMTC मैदान में पंचायत सम्मेलन का कार्यक्रम है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी 12 मार्च को पीएम मोदी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे और गुजरात सरकार के खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। हालांकि इन तमाम कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ एक है और वो है 4 राज्यों में उठी जीत के ज्वार को गुजरात तक ले जाना, क्योंकि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते, इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मिशन गुजरात में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।